राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने एक दिवसीय दौरे के तहत पाली पहुंचे, जहां जिला मुख्यालय स्थित डिस्ट्रिक्ट क्लब में उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से जिलाध्यक्ष मनसाराम परमार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया गया। बता चले, उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार राजस्थान के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता गांव गांव जाकर सरकार की योजनाओं का आम जनता तक पहुंचाए। आगामी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से भाजपा परचम लहराएगी। आपके प्रदेश में आपने जो जनता के बीच में बात कही है, निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे। और आपने देखा है, आज समय का अभाव है, लेकिन हमारी सरकार को 2 महीने हुए हैं। 2 महीने में हमने लगातार जो हमने वायदे किए उन वायदों को पूरा करना स्टार्ट भी कर दिया है। हम उन लोगों में से नहीं है कि वायदे करें और चुनाव से 15 दिन पहले या 20 दिन पहले हम गारंटी दें। अरे भाई, गारंटी जब तुम्हारी नहीं है तो तुम किसकी गारंटी दे रहे हो? चुनाव से 20 दिन पहले गारंटी दे रहे, चुनाव से 20 दिन पहले ये मिलेगा ये मिलेगा। अरे जनता है, पूरा जानती है। हमको तो 10 दिन भी नहीं हुए थे। 15 दिसंबर को शपथ ली थी, 25 दिसंबर को हमने फैसला कर दिया कि गैस सिलेंडर का वायदा हमने किया था कि 450 रुपए में देंगे, 1 जनवरी से हमने प्रारंभ कर दिया। ये होता है वायदा।